वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं नाइन्थ इंग्लिश का नाइन्थ क्लास का लेक्चर नंबर 28 है और इसका पार्ट 2 है। हमने ट्रांसलेशन तो पढ़ ली गई थी ना, हाफ, तो हाफ ट्रांसलेशन हमारी रह गई थी, वो हमने आज पढ़नी है। ठीक है, ये आपका चैप्टर लंबा है इसलिए मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तीन दिनों में हम इसको मुकम्मल करेंगे। फर्स्ट तो हमने हाफ ट्रांसलेशन की थी ना, हाफ आज करेंगे और एक्सरसाइज हम एक दिन में करेंगे। ठीक है, हमने ट्रांसलेशन हमने शेंदूर पोलो फेस्टिवल पूरा पढ़ लिया था ना, आगे हमने हेलोवीन पढ़ना है। हेलोवीन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन ऑन अक्टूबर 31। कह रहा है कि 31 अक्टूबर को यूरोप और शुमाली अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में हेलोवीन फेस्टिवल हेलोवीन त्यौहार इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका और शुमाली अमेरिका ऑन अक्टूबर 31 को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जाता है। हेलोवीन इज बिलीव टू बी क्रिश्चियन ओरिजिन, ये माना जाता है कि हेलोवीन ईसाई इर्तिका का हामिल है एंड इट बेसिकली डिनोट रिमेम्बरिंग, और इस ये जो ये माना जाता है कि रिमेम्बरिंग द डेथ ऑफ डेड इंक्लूडिंग मार्टिर्स एंड द फेथफुल। वो कह रहा है कि ये बुनियादी तौर पर ना ये जो शहदा हैं मार्टिर्स होते हैं शहदा एंड द फेथफुल और जो वफादारों, मतलब ये जो पुराने लोग हैं जैसे शहदा, ये जो हमारे बहुत ज्यादा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं हज़रत सलम के जमाने में, उससे पहले उसके बाद, उन सब की याद में ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। और वफादार थे जो लोग इनसे, ये जो तमाम जो मर चुके हैं ना लोग, इनको ये त्यौहार मंसूब किया जाता है। ठीक है, although in recent times Halloween has become more of the secular festival and celebrated worldwide, अगरचे मौजूदा जमाने में Halloween एक ज्यादा लादीनी त्यौहार बन चुका है recent time। ठीक है, although अगरचे in recent times Halloween has become more of secular होता है लादीनी, एक तो मतलब एक तो होता है दीनी, दूसरा होता है लादीनी, सेक्युलर फेस्टिवल लादीनी त्यौहार एंड सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है एंड सेलिब्रेटेड मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। ट्रेडिशनली रवायती तौर पर पम्पकिंस आर कर्व इनटू जैक और लैंटर्न विद कैंडल लाइट इनसाइड। कह रहा है कि रवायती तौर पर कद्दू को तराश कर जैक लालटेन बनाई जाती है, जैक लालटेन बनाई जाती है। पम्पकिंस कद्दू कार्ड होता है कि तराश कर इनटू जैक और लालटेन विद अ कैंडल लाइट इनसाइड, और इसमें मोमबत्ती कैंडल लाइट इनमें मोमबत्ती जलाई जाती है इनसाइड इसमें। द मेन थीम इसका जो मेन थीम है, मरकजी ख्याल है इसका ऑफ हेलोवीन का रिवॉल्व अराउंड ट्रिक और ट्रीट शरारत या दावत के दरमियान ही है, इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। जो बेसिक जो इसका मेन थीम है, जो इसका मरकजी ख्याल है, वो शरारत और दावत के दरमियान ही घूमता रहता है। ठीक है, चिल्ड्रन डिस्गाइजिंग इन कस्टम्स ऑफ देयर चॉइस, वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं अपनी पसंद के कपड़ों में वेश बदलते हैं
गो अराउंड द नेबरहुड और अपने हमसाए जाते हैं होल्डिंग लॉर्डन लॉर्डन इन देयर हैंड्स अपने हाथों में लॉर्डन पकड़े एंड रिंग द डोर बेल और दरवाजों की वो घंटी बजाते हैं चिल्ड्रन एंड यंग पीपल बच्चे और जो जवान लोग हैं देन से स्टिक और ट्रीट टू हूज एवर ओपन द डोर जो कोई दरवाजा खोलता है ना उसको वो कहते हैं कि बच्चे और बड़े जो भी कोई दरवाजा खोलता है उसको कहते हैं दावत या शरारत ट्रीट रैपिंग टू कैंडी जो ट्रीट है दावत है इसका मतलब होता है कोई मीठी चीज कैंडी टॉफी या मीठी चीज एंड ट्रिक रेफरिंग टू अ थ्रेट टू काज मिसचीफ इन द हाउस ठीक है शरारत जो होती है इसका मतलब होता है उनके घर में किसी शरारत करने की धमकी देना कि हाँ आपके घर में आपके कोई भी शरारत कर सकते हैं स्वीट्स मिठाइयाँ आर देन ऑफर्ड ऑफर टू द चिल्ड्रन एज ट्रीट फिर बच्चों को दावत के तौर पर मिठाइयाँ पेश की जाती हैं जैक और लॉर्ड एंड आर आर्ट सो ह्यूज ऑन द विंडोज दैट ग्लो इन द डार्क वो कह रहे हैं कि जो जैक लॉर्ड एंड होती है ना उनको आल्सो हंग एच यू एन जी हंग होता है आल्सो हंग लटकाई जाती हैं ऑन द विंडोज खिड़कियों में दैट ग्लो इन द डार्क जो चमकती हैं इन द डार्क अंधेरे में द एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द हाउसेस आर आल्सो डेकोरेटेड विद स्पोकी ऑब्जेक्ट वो कह रहा है कि घरों के बैरूनी हिस्से भी डेकोरेटेड सजाए जाते हैं आल्सो डेकोरेटेड सजाए जाते हैं विद स्पोकी ऑब्जेक्ट्स जो ड्रामी अशिया से सच एज स्केलेटन जैसे कि ढांचा एंड बूस्ट और बूथ इस तरह की चीजों से घर घर की जो बाहर वाली बैरूनी हिस्सा है वो भी सजाया जाता है हेलोवीन कस्टम्स पार्टीज हेलोवीन कस्ट्यूम्स पार्टीज आल्सो हैंड इन हैंड एंड प्रैंक्स इन प्रैंक्स आर ग्रेट वो कह रहे हैं कि हेलोवीन की महसूस लिबासों वाली तकरीबात भी मुनक्कद की जाती हैं एंड प्रैंक्स आर ग्रेट और शरारतें की जाती हैं ये हो गया हमारा हेलोवीन इसका आपको पता चल गया इसको मैं सिंपली आपको समझाती हूँ कि वो कह रहे हैं पहले वो कह रहे हैं कि ये मतलब शुमाली अमेरिका में या इंग्लैंड में ये होता है यूरोप में ये होता है तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये मतलब शुदा की याद में मनाया जाता है और जो हमारे अच्छे लोग थे जो गुजर चुके हैं और जो शहदा हैं उनकी याद में ये मनाया जाता है तो ये पहले तो ये तब मनाते थे ना लेकिन अब ये इस तरह से फेमस हो गया है कि हर कंट्री के लोग इसको मनाते हैं ठीक है इंग्लैंड यूरोप हर जगह पे ये मनाया जाता है फिर ये कहता है कि इसमें इस खेल जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं इसमें या शरारत करते हैं या दावत देते हैं ना ये इसी गेम के गिर्द ये त्यौहार जो है ये घूमता है तो वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं ना ये मतलब अपना भेष बदल के ना भूतों वाले कपड़े पहन के या इस तरह से कपड़े पहन के ना कोई भी वो अपना भेष बदल के ना ये जोकर बन के तो लोगों के घरों की घंटियां बजाते हैं और जो कोई दरवाजा खोलता है उससे कहते हैं कि ट्रिक और ट्रैक मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रिक और ट्रिक या शरारत करेंगे हम आपके घर में आके या हमें ट्रीट दें तो फिर ना बच्चों को वो कोई भी मीठी चीज इस तरह ट्रीट में दे देते हैं स्वीट्स दे देते हैं मिठाइयाँ देते हैं या फिर कोई और चीज दे देते होंगे मीठी तो जो शरारत है वो कहते हैं कि हम आपके घर आके करेंगे वो फिर कहते हैं कि या शरारत या मीठी चीज तो फिर इस तरह से वो उनको स्वीट्स दे देते हैं तो देन वो कह रहे हैं कि वो अपने घरों के जो बैरूनी हिस्सा है वो इस तरह से डांचू से और भूतों से इस तरह से सजा देते हैं अपने घर का बैरूनी हिस्सा ठीक है और जो उनकी पार्टीज होती हैं तकरीबात होती है ना इसकी हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स की वो
जाती हैं एंड प्रैंक्स और शरारतें की जाती हैं। ठीक है, देन हमारा आ गया चाइनीज न्यू ईयर स्प्रिंग फेस्टिवल। चाइनीज न्यू ईयर स्प्रिंग फेस्टिवल जो चीन का नया साल जश्न बहारा। द स्प्रिंग फेस्टिवल आर चाइनीज न्यू ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन चाइना। चाइना के ये जो है ये बहुत ज्यादा अहम तरीन रिवायती त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड एट टर्न ऑफ द ट्रेडिशनल लूनी सोलर चाइनीज सिलेंडर। वो कह रहे हैं कि ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है इनके चाइना के लोगों में। एक्टिविटीज फॉर न्यू ईयर ईव इंक्लूडेड डेकोरेटिंग द हाउस विद न्यू ईयर्स पेंटिंग्स। ये कह रहे हैं कि पेंटिंग न्यू ईयर पेंटिंग ट्रेडिशन रेड लॉन्टर्न एंड पेपर कट आउट। वो कह रहे हैं कि सारे लोगों की शाम की सरगर्मियों में घर को नए साल की तस्वीरों रिवायती लालटेनों और कागज की जड़ियों से सजाना शामिल है। फैमिली रियूनियन डिनर इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट ऑन द न्यू ईयर ईव। वो कह रहा है कि नए साल की शाम खानदान कुतुब के दोबारा मिलन की दावत खानदान भर के लिए बहुत ज्यादा अहम तरीन है। दिस इवेंट इज हाईली सिग्निफिकेंट इन द चाइनीज कल्चर एंड नियर ऑफ पीपल ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री टू बी विद देयर फैमिलीज ऑन द न्यू ईयर ईव। चीनी सकाफत में ये जो है चाइनीज कल्चर मिलियन ऑफ द पीपल वो कह रही है कि बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हाईली सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा अहमियत इन द चाइनीज कल्चर चीनी सकाफत में एंड मिलियन ऑफ पीपल मिलियन ऑफ पीपल और लाखों अफराद ट्रेवल सफर करके आते हैं अक्रॉस द कंट्री मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से वो सफर करके आते हैं टू बी विद देयर फैमिलीज अपनी खानदानों से मिलने के लिए अपने खानदान वालों के साथ ये वक्त ये नया साल गुजारने के लिए। ऑफन आफ्टर द रीयूनियन डिनर चिल्ड्रन आर गिवन ब्रेड इन वेल्स। ये जो तकरीब होती है इसके बाद इस मिलन की दावत के बाद बच्चों को सुरख लफाफों में इनवेलप्स विद मनी पैसों के साथ सुरख लफाफे दिए जाते हैं एज रेड कलर डिनोट्स गुड लक इन चाइना। क्योंकि चीन में सुरख रंग खुशकिस्मती को जाहिर करता है। दिस मनी इज कॉल्ड लकी मनी। ये पैसा खुशकिस्मती का पैसा कहलाता है। वन नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑन द न्यू ईयर फेयर क्रैकर्स आर सेट ऑफ इन द स्मॉलर सिटीज एंड रूरल एरियाज। नए साल के दिन छोटे शहरों और देहाती इलाकों में आतिशबाजी की जाती है। फायर क्रैकर्स आतिशबाजी की जाती है आर सेट ऑफ इन द स्मॉलर सिटीज एंड रूरल एरियाज छोटे शहरों में और देहाती इलाकों में। सैक्रीफाइसेस एंड प्रेयर्स फॉर एंसेस्टर आर मेड ऑन सैक्रीफाइसेस कुर्बानियां एंड प्रेयर्स और इबादतें फॉर एंसेस्टर उनके लिए जो हमारे बाबा अजदाद होते हैं उनके लिए आर मेड ऑन द न्यू ईयर डे। न्यू ईयर नए साल के दिन बाबा अजदाद के लिए कुर्बानियां और इबादतें की जाती हैं। फ्रॉम डे टू टिल डे एट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विजिट ईच अदर बिसाइड पेइंग विजिट टू टॉम्स ऑफ द लव्ड वन वांट्स टू पे रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि दूसरे से लेके आठवीं दिन तक दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ रिलेटिव विजिट ईच अदर वो एक दूसरे के यहाँ मिलने आते हैं बिसाइड पेइंग विजिट टू टर्म ऑफ द लव वंस टू पे रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा वो मतलब अपने प्यारों को सलाम करने के लिए कब्रों पे भी जाते हैं। टॉम्स ऑफ
कम्स ऑफ द लॉर्ड वांट्स टू पे रिस्पेक्ट, अपने प्यारों को सलाम करने के लिए उनकी कब्रों पे भी जाते हैं। डे 8 आल्सो मार्क द एंड ऑफ द न्यू ईयर हॉलीडे फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो डे 8 होता है वो लास्ट होता है, वो मतलब आखिरी दिन की निशानी होती है, ठीक है। ये निशानदेही करता है कि अब त्यौहार जो है वो खत्म हो रहा है। However, the all famous Lantern Festival is held on 15th of February. ताहम हर जगह मशहूर लांटर्न मेला 15 फरवरी को मुनक्कद किया जाता है। Glowing lanterns are set afloat in the sky, seas and rivers, lake, marking the end of the spring festival. वो कह रहा है कि आसमान पर समुद्रों, ठीक है, समुद्रों आसमान पर ग्लोइंग लांटर्न, चमकती हुई लांटर्न आर सेट ऑफ लॉट इन द स्काई, जो कि आसमान पर होती हैं, सीज दरियाओं में एंड रिवर्स समुद्रों में एंड लेक्स और झीलों में, मार्किंग द एंड ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल, कह रहे कि जैसे बहार के आसमान की निशानदेही करती हैं जो समुद्रों में लांटर्न होती हैं, दरियाओं में होती हैं और झीलों में जो लांटर्न होती हैं, ये निशानदेही कर रही होती हैं कि जश्न बहारा खत्म हो गया है, ठीक है बच्चों। ये हमारा था, ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर। आपने इसे सही तरह से तैयार करके लेना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, आपने बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गौर से पढ़ेंगे, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।